चार घंटे तक एक हॉस्टल के अंदर छात्र के साथ बर्बरता होती रही और प्रबंधन सोता रहा। चार घंटे तक छात्र मदद की गुहार लगाता रहा और प्रबंधन सोता रहा। चार घंटे तक सातवीं क्लास का एक छात्र अपनी जिंदगी के लिए लड़ता रहा और प्रबंधन सोता रहा। हाँ, स्कूल प्रबंधन ने एक काम जरूर किया, वो है खाना पूर्ति। यह खौफनाक दास्ता है उस बच्चे की जो अब इस दुनिया में नहीं रहा है और उसकी जान के दुश्मन बने उसी के स्कूल के हॉस्टल में रहने वाले पांच सीनियर छात्र। दरअसल ऋषिकेश के रानी पोखरी में चिल्ड्रन होम एकेडमी में सातवीं क्लास में पढ़ने वाले वासु यादव की तबीयत बिगड़ने के कारण उसकी मौत की जानकारी उसके परिजनों को हॉस्टल प्रबंधन की ओर से दी गई। आनन फानन में परिजन हॉस्टल की ओर निकले, लेकिन तब तक हॉस्टल प्रबंधन ने छात्र के शव को एकेडमी के हॉस्टल में ही दफना दिया। परिजनों को भी शक हुआ, बार बार परिवार के सदस्य एक ही बात कह रहे थे, ये हत्या है, इसमें कई लोग शामिल हैं, इसमें कोई बड़ा खेल है। 7:50 में मैनेजर फोन किया कि तुम्हारा बच्चा ने सीरियस बीमार है, जल्दी आ जाओ। तब मैंने रात को 2 बजे ही मेरठ से आया, आए तो बच्चा वहाँ पूछा, सर मेरे वासु यादव का बच्चा कहाँ है? बोला बच्चा दुनिया में नहीं रहा, ऐसे बोला डॉक्टर ने। तो यही आज 2:30 बजे बोलता बच्चा खाना खाया और गला में अटक गया, बोला लड़का को मारे हैं, दम फूट जा रहा। पूरे मामले में पुलिस के साथ साथ बाल आयोग की टीम ने भी अपनी जांच की। बाल आयोग को हॉस्टल के अंदर कई खामियां मिली, तब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। जो सच हर तरफ से छिपाई जा रही थी उसका पर्दाफाश भी हो गया। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि ये मौत तबीयत बिगड़ने के कारण नहीं हुई है, बल्कि ये एक हत्या है। के बाद में मैं यहाँ थाने में पहुंची हूँ और थाने में मैंने सारी चीज़ें इंक्वायरी की, अभी तक यहाँ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन जो बच्चे के पिता ने जो आकर बताया, उन्होंने ये कहा है कि जो है मेरे बच्चे की हत्या हुई है, मेरे बच्चे को जो है फूड पॉइजनिंग या कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो ये तो चीज़ें जाँच का विषय है और जब इसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद में ही सारी चीज़ें सामने आएंगी, तो उस बारे में अभी देखते हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है। लेकिन यह है कि वो अपने बच्चे का दाह संस्कार करना चाहते हैं और ये भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि स्कूल प्रबंधक ने ही उस बच्चे की बॉडी को दबवाया, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, बच्चे की बॉडी को क्यों दबाया गया। तो अभी वो लोग अपने बच्चे की बॉडी लेके जा रहे हैं और बच्चे का दाह संस्कार कर रहे हैं। इस हत्या में हॉस्टल में ही रहने वाले 5 छात्रों के नाम भी सामने आए। हत्या की वजह और तरीका सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल मृतक छात्र की एक गलती के कारण सभी छात्रों को हॉस्टल से बाहर जाने पर रोक दिया गया था और इसी पर कुछ सीनियर छात्रों का गुस्सा भड़क गया। पहले सीनियर छात्रों ने वासु की पिटाई बैट और स्टंप से की और फिर हॉस्टल के छत पर ले जाकर ठंडे पानी से उसे नहलाया और तो और गंदा पानी भी पिलाया गया। ऐसा पूरे 4 घंटे तक किया गया। एक छात्र अपराधी की तरह वारदात में इस्तेमाल हथियारों को भी ठिकाने लगा दिया गया। छात्र की हालत उधर खराब हो रही थी। हॉस्टल प्रबंधन ने छात्र की हालत को देखकर उसे अस्पताल भी भेजा, लेकिन तब तक छात्र की सासों ने उसका साथ छोड़ दिया। तारीख को हमें डेड बॉडी मिला था टेलीग्राउंड चौकी के माध्यम से कि एक बच्चे का जिसका नाम वासु था, जिसकी उम्र 12 साल थी, दौरान उपचार मृत्यु हो गई है। डेथ मेमो में लिखा हुआ था कि प्रथम दृष्टया इसका किसी पॉइजन का होना पाया गया, इसके आधार पे उसके पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर दी गई और उसका एम्स में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। आज बच्चे के पिताजी और परिजन भी यहाँ थाने में आए थे, उनके द्वारा भी तहरीर दी गई है, इसको जाँच तलब कर लिया गया है, साथ ही पोस्टमार्टम की आने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हॉस्टल प्रबंधन ने इस वारदात पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, एक हत्या की वारदात को तबियत बिगड़ने के कारण हुई मौत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वासु के साथ जो गलत हुआ था उसकी लाश ने सारे सच को दिखाया। शव को दफनाने के बाद भी शव ने सारे राज खोले, शव ने सच्चाई बताई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया।